पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक बड़े ही जबरदस्त अभिनेता की, जिसका नाम तो है प्रेम नाथ मल्होत्रा, लेकिन ये सिर्फ प्रेम नाथ के नाम से ही बहुत ज्यादा मशहूर हुए। मेरे ही इलाके में मुझे धमकी। रंजीत, तुम ये भूल रहे हो इस वक्त तुम कहाँ हो और किससे बातें कर रहे हो। इनका जन्म हुआ 21 नवंबर सन 1926 में। जगह थी करीमपुरा, जो कि पेशावर के घंटाघर इलाके के नजदीक रही। भारत का विभाजन जब होने लगा, तब ये अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर इलाके में शिफ्ट हो गए। ये अक्सर महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को चिट्ठियां लिखते थे, जो कि इनके रिश्तेदार भी रहे, और ये कहते कि किसी तरह से मुझे भी फिल्मों का हिस्सा बना लो। लेकिन प्रेमनाथ साहब के वालिद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, उन्होंने अपने बेटे प्रेमनाथ को भेज दिया आर्मी में। प्रेमनाथ का मन तो फिल्मों से लगा हुआ था। एक दिन इन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी और कहा कि मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे एक बंदूक खरीदनी है, और उस पैसे को लेकर ये चले आए मुंबई शहर के दादर इलाके में। सीधे पहुंचे पृथ्वीराज कपूर के पास और कहने लगे कि आप मुझे चेला बना लें और मुझे पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बना लें। पृथ्वीराज कपूर ने इन्हें दाखिल कर लिया पृथ्वी थिएटर में। वहीं पर इनकी दोस्ती हुई उनके बेटे राज कपूर के साथ। ये दोस्ती बहुत ही गहरी थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आगे जाकर ये रिश्तेदारी में तब्दील हो जाएगी। अच्छी सूरत है, नाम भी खूबसूरत है और उठता शबाब भी है। एक बार राज कपूर और प्रेमनाथ जबलपुर घूमने के लिए गए। वहां पर राज कपूर की नजर पड़ी प्रेमनाथ की बहन कृष्णा पर, और धीरे धीरे राज साहब ने अपने प्यार का इजहार किया और कृष्णा जी से शादी कर ली। इस तरह से प्रेमनाथ रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर के मामा हैं। प्रेमनाथ साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी फिल्म अजीत के साथ, जो सन 1948 में रिलीज हुई। उसके बाद राज कपूर साहब की फिल्में आग और बरसात का यह हिस्सा बने। शक्ल नहीं दिखना चाहता उल्लू के पट्टे। प्रेमनाथ साहब की शख्सियत बड़ी रौबीली और बड़ी दमदार थी। ये अपने आप को फिट रखते थे और इनकी जबरदस्त फीमेल फैन फॉलोइंग थी। हालांकि शुरुआत तो इन्होंने बतौर हीरो ही की थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे जाकर ये मशहूर विलन के रूप में भी सबके दिल को जीत लेंगे। तुम सब मुस्तंगे और वो अकेला फिर भी मार खा के चले आए, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। महबूब खान साहब ने भी इन्हें अपनी फिल्म आन में एक बहुत ही जबरदस्त रोल दिया था। दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, इन सभी के साथ प्रेमनाथ साहब की भी अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा थी। प्रेमनाथ साहब का करियर उफान पे था, और तभी इनकी मुलाकात हुई उस जमाने की बड़ी खूबसूरत अभिनेत्री बीना राय से। बीना जी के साथ इन्होंने फिल्म औरत में काम किया। बीना राय, जो प्रेमनाथ के अभिनय से बड़ी मुतासिर थीं और इनकी बहुत बड़ी फैन थीं, जब इनके सामने आईं तो उनके हाथ कांपने लगे। मतलब यही कि दोस्ती और बढ़ानी होगी। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या सोचता है, उसकी हर बात पर नजर रखनी होगी। प्रेमनाथ साहब बीना जी की सादगी पर मोहित हो गए और आगे जाकर इनकी शादी हुई। लेकिन शादी से पहले इनके अफेयर्स के चर्चे भी बहुत रहे। जबरदस्त अभिनेत्री मधुबाला के साथ इनका इश्क परवान चढ़ा। ये गलत है। पर बहुत सी पेचीदगियां थी उस रिश्ते में, इसलिए प्रेमनाथ साहब ने शादी कर ली बीना राय से। और शादी के बाद इन्होंने फैसला किया कि ये मधुबाला जी के साथ काम नहीं करेंगे। ये वो वक्त था, तकरीबन 18 फिल्में इन्होंने मधुबाला जी के साथ साइन कर रखी थी, लेकिन वो सभी फिल्में इन्होंने छोड़ दी। हमारी आंख बहुत दूर तक देखती है अंजू। हालांकि बहुत बरसों के बाद मधुबाला जी के वालिद ने कहा था कि प्रेम, आप हमारी फिल्म में काम करें, उसमें आपकी हीरोइन मधुबाला ही रहेंगी। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। मधुबाला जी की तबीयत खराब हुई और उसके बाद वो फिल्म उन्होंने छोड़ दी। प्रेमनाथ साहब की शादी के बाद इन्होंने और बीना राय जी ने सोच लिया कि हम अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे, और प्रोडक्शन कंपनी खोली PN फिल्म्स के नाम से। इनकी पहली फिल्म रही शगुफा, जो कि सन 1953 में आई। उसके बाद प्रिजनर ऑफ गोलकोंडा, समंदर, चंगेज खान वगैरह वगैरह फिल्में सामने जरूर आईं, पर सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल ना दिखा पाईं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ये लो चाबी, आज से गाड़ी तुम्हारी, लेकिन तुम कौन हो, किसका काम करती हो, ये उसे बिल्कुल नहीं मालूम हो। क्या दूसरी तरफ
बीना राय जी जो दूसरे हीरोज के साथ काम कर रही थीं, वो फिल्म में सुपरहिट हुई, चाहे वो अनारकली रही, घूंगर रही या फिर ताजमहल। इनकी पत्नी का करियर तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन प्रेमनाथ साहब पीछे छूटे जा रहे थे। अक्सर इनके घर पे प्रोड्यूसर किसी पार्टी का न्योता देते तो उस कार्ड पे लिखा रहता मिस्टर एंड मिसेज राय। प्रेमनाथ साहब अपनी बीवी की सफलता से खुश तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये बात जरा चोट भी करती। क्या कहा? ऐसा भी माना गया कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने जो फिल्म बनाई अभिमान, उसमें इन दोनों की जिंदगी के भी कुछ अंश रहे। और तब प्रेमनाथ साहब ने वो फैसला लिया जो किसी भी अभिनेता के लिए बहुत कठिन होता, जो 14 बरस के लिए फिल्मों से दूर हो गए। मुखर्जी साले अकल की बात भी करेगा। इस बीच इन्होंने तीर्थ यात्राएं की और बहुत सी धार्मिक किताबों का इन्होंने अध्ययन किया। ये ज्योतिष विद्या में बड़ा यकीन किया करते थे। ये जानते थे कि जब ये वापस आएंगे तब एक बहुत बड़ी फिल्म के साथ वापस आएंगे। इन्होंने देवानंद साहब की फिल्म जॉनी मेरा नाम साइन की और कहा देव साहब से कि देख लेना, ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित होगी। फिल्म जॉनी मेरा नाम के बाद इन्होंने पलट के नहीं देखा। ये इनकी दूसरी पारी थी। आपके हाथ इतने लंबे हैं कि तुझे जहन्नुम से भी खसीट लाए। मेरा नमक खाकर मुझसे गद्दारी, नमक हराम, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर तो रोटी कपड़ा और मकान, शोर, बॉबी, इन सभी फिल्मों में इनका अभिनय देखते ही बनता था। राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। ऐसा भी बताया गया कि मुंबई शहर के वर्सोवा इलाके में इन्होंने तकरीबन 2 दिन बिताए ताकि ये सीख सकें कि मछेरे कैसे जीते हैं, कैसे बात करते हैं। और इन्होंने एक मछेरे का किरदार बखूबी निभाया। रंजीत, क्यों अपनी मौत को दावत देने फिर यहाँ चले आए हो? जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई भी इनके अभिनय के बड़े मुरीद रहे। विश्वनाथ, गौतम गोविंदा, इन फिल्मों को कोई कैसे भूल सकता है। इनकी एक बड़ी जबरदस्त फिल्म रही धर्मात्मा, उसमें भी इनके किरदार ने बहुत से जलवे दिखाए। जवानी में जहां ये रोमांटिक रोल्स किया करते थे, वहीं बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचते हुए इन्होंने वो कैरेक्टर रोल्स निभाए जिसका आज भी कोई सानी नहीं। हाँ, इसकी वजह तुम्हारी समझ के बाहर है ठपोल संखो। और फिर वो दिन आया जब मात्र 65 साल की उम्र में 3 नवंबर सन 1992 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। इनके बेटे प्रेम किशन अभिनेता बने और कैलाश नाथ मोंटी भी। इनके दो छोटे भाई राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ भी बड़े मशहूर एक्टर्स बने। गुड मॉर्निंग डैडी, चलिए। इनकी दूसरी बहन उमा की शादी हुई प्रेम चोपड़ा साहब से, पर यकीन के साथ कहा जा सकता है कि प्रेमनाथ साहब जैसा हरफनमौला कलाकार बड़ी मुश्किल से ही फिल्म इंडस्ट्री को मिलता है। सब कुछ वक्त दिया तूने। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।